दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, हर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, हर कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अभी आप इस देर में ऑडियो सुनेंगे, उसको समाप्त करेंगे। उसमें एक उमर देवबंदी है, मोहम्मद अहमद करके नाम उसका, तो उसकी ऑडियो आई थी। उसके ऑडियो में उसको आए तो उसने कहा था कि आला हजरत ने किसी किताब में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह गरीब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम सुम्मा माज़ल्लाह, तो उसमें ये बात लिखी है। तो मैंने उससे सवाल पूछा कि आपने ऑडियो आई है तो आपने फरमाया है कि आला हजरत ने किसी किताब नहीं, आला हजरत कोई आला हजरत का मैंने हवाला नहीं, इतना पलट गया पतावर एस बी एस ने बताया था, और फिर उसके बाद वो पलट गया बेचारा, कहने लगा नहीं आपके मौलवियों ने लिखा है इसी बात। अब जब उससे पूछा कि किस किताब में आप पेज नंबर ना बताएं, आप बता दें, तो बता रहा है कि फला फला किताब उसमें लिखा है। तो मैंने उससे कहा कि आप इसको इबारत उधर किनार की बात आप इसे बरेलवी साबित कर दें तो बहुत बड़ी बात होगी। और वो ऐसी अगर कोई बरेलवी भी है तो ऐसी अपनी किताब में कोई ऐसे अल्फाज या ऐसी कोई बात नहीं लिखेगा, लिख ही नहीं सकता। साबित लिखना तो दूर की बात है, साबित ही करना बहुत बड़ी बात है। तो ये भड़क गया और कहने लगा कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है और मैं आपके सामने बात करूंगा, और बिगड़ने लगा। तो ऐसे देवबंदी होते हैं, कह के भूल जाते हैं, इतना ये गुलू हो गया अंग्रेज के बरेलवी को अंग्रेज का एजेंट साबित करने में। क्योंकि बेहमदी तला हम लोगों ने अशरफ अली थानवी को, रशीद अहमद गंगोही को, ये पूरे दहले देवबंदी को हमने देवबंदी अंग्रेज का एजेंट साबित किया। अब ये तलाश में है कि जो बरेलवी की ऐसी कोई इबारत मिल जाए जिसने ये लिखा हो कि वो अंग्रेज का एजेंट है, मगर ये लिखना तो बड़ी दूर की बात है। आला हजरत अजीबुल बरकत तो ये भी फरमाते थे कि अंग्रेज के खाने से बचा जाए, ठीक है, तो ये तो दूर की बात है। और अंग्रेज की कायम करता जो अदालत होती थी उसको अदालत नहीं कहते थे, उसको तो कचहरी कहते थे, उसको अदालत नहीं कहते थे। तो उसके तो बड़ी दूर की बात है कि जो है अंग्रेज का एजेंट साबित करना। हम लोगों ने बेहमदी तला साबित किया है कि अंग्रेज के एजेंट है। वो ढूंढ रहे कि बरेलवी को कैसी इबारत मिल जाए। ये भी बेचारा बहुत दिन से गुमनाम था, ये भी ढूंढ रहा था इबारत से, ढूंढ रहा था उसके अंदर की, मगर इसको फूटा सर घुटना फूटा, पता नहीं क्या फूटा, इसको ऐसी इबारत मिली। बेहमदी तला से ऑडियो को सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा। ज्यादा लंबी ऑडियो हो जाती तो आप लोग उसको स्किप कर देते हैं, बेहमदी तला तो उसको स्किप न किया करें, बेहमदी तला उसको सुना करें पूरा। ये छोटी ऑडियो आप इसको सुनेंगे आपको अच्छा भी लगेगा। और ये जो हमारा चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर भी किया करें, लिंक ग्रुप में वहाबियों के ग्रुप में ज्यादा भेजा करें, ऐसी बात है। अपने तक ना महदूद रखा करें, इसको भेज भी दिया करें ताकि उनको भी मिर्ची है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो हेलो जी कौन? हेलो हेलो जी कौन बोल रहे हैं? जी मैं मोहम्मद रशद बोल रहा हूँ हजरत। कहाँ से भाई? जी मैं यूपी जिला बैराज ज्ञान पार्क बोल रहा हूँ। क्या बात है भाई? हजरत आपका नाम क्या है हजरत? अहमद। मोहम्मद अहमद जी। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सहारनपुर। सहारनपुर से बोल रहे हैं। अच्छा हजरत, कि मैंने सुना था आपको, आप फरमा रहे हैं कि फतावर इज़बिया में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह अंग्रेज रसूलुल्लाह। फतावर इज़बिया का हवाला नहीं दिया मैंने। पर अभी मैं सो रहा हूँ, आपको इस मौजे पे बात करनी है, शाम में सर के बाद बात करूंगा। इस वक्त सोने का टाइम है, 12:30 हो रहे हैं, सोने बज रहा है भाई। मेरा सोने का टाइम है क्योंकि मैं 4 बजे उठता हूँ। 4 बजे उठते हैं? उठता हूँ 4 बजे सुबह में। सुबह में 4 बजे उठते हैं आप? जी। अच्छा, तो किस चीज़ का हवाला दिया था हजरत आपने मोहम्मद अहमद साहब? कोई बात नहीं, मैं आपको सारा हवाला दे दूंगा, कहाँ पे लिखा है कहाँ पे नहीं। अभी मेरा सोने का टाइम है। अरे सो बाद में जाइएगा, पता नहीं आप कह रहा हूँ 5 बजे उठे 6 बजे उठे। तो मैं कह रहा हूँ असर के बाद फोन करूंगा मैं। असर के बाद मेरे पास वक्त नहीं रहेगा, आप बताइए ना अभी, मुख्तसर बता दीजिए, उसके बाद आप जाइए। रात में कर लूंगा मैं फोन आपको। आप बताएं किस टाइम फ्री होंगे? नहीं मैं रात में फ्री होता हूँ। किस टाइम? आप जो है मुझे शाम में कर लीजिए कोई टाइम।
हाँ तो ठीक है, मैं आपको फोन कर लूंगा। तो आप अभी आपको बताने में क्या जा रहा है हजरत, अभी बता दीजिए ना। अभी मुझे किताब से निकालना पड़ेगा। नहीं कोई जरूरत नहीं किताब से निकालने की, आप किताब का बता दीजिए। आपने कहा कोई दूसरी किताब का वाला, मैं देख लूंगा, आप बताइए ना। तो भाई मैं कह रहा हूँ अभी मैं किताब मुझे निकालनी पड़ेगी जहाँ पे लिखा है। तो फतावा रिजविया का हवाला नहीं है, फिर किसका हवाला है? दूसरी किताब का हवाला है। किसकी? आला हजरत की है कि आला हजरत के गैर की है, मतलब किसी और की है? भाई मैं कह रहा हूँ आपको बता दूंगा शाम में, पूरी तरह बता दूंगा कहाँ पे लिखा है, किस में है, ठीक है? फिर वही बात होगी हजरत, अपनी बात रख रहे हैं, मेरी नहीं सुन रहे हैं आप, अपनी बात रख रहे हैं आप। बताइए ना मुझे, आप किताब ना आप ना देख के बताइए, सफा पर ना बताइए। इनकलाबुल हकीकत ये किसकी किताब है? मोहम्मद उमर बरेलवी। अच्छा, मोहम्मद उमर बरेलवी जी, मोहम्मद उमर बरेलवी की है जी। हाँ, उसमें लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह अंग्रेज रसूल अल्लाह जी। अरे वाह हजरत, मैं सोचता था आप बड़े दयादार हैं, आप जो है अकलमंद है गायते दर्जे के, मगर मुझे कम लगता है कि आपको नहीं है क्या ये बता, ये इबारत बिल्कुल साबित नहीं है, और ये इबारत आला हजरत की है ही नहीं। अगर आप साबित कर देंगे तो 10,000 रुपए का इनाम आप पेटीएम में लगा दूंगा। आला हजरत का है का? मैंने किताब का नाम बता दिया ना। तो किताब का नाम बताया ना, तो आपने कहा कि आला हजरत ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अंग्रेज रसूलुल्लाह। आला हजरत का नाम ने कहा, मैंने कहा तुम्हारी किताब में लिखा है, ये बात कही है मैंने। और उस तोतरे से पूछो जो गालियों का पिटा रहा है तोतला, उनको छोड़िए कुछ देर के लिए। आपने जिस किताब का हवाला दिया है, अगर आप उससे बरेलवी साबित कर दे दरकिनार, वो तो कतई नजर। आपने जिस किताब, हाँ उमर को आपने साबित, हाँ आप मैं आप मैं हाँ अगर आप साबित कर दे तो दरकिनार, किताब का मुसन्निफ बरेलवी साबित दरकिनार, वो आप जो इबारत दिखा रहे हैं इबारत साबित कर दे तो बहुत बड़ी बात, 10,000 लगने के लिए। कहाँ से आपकी किताब है? रिसाला अलिमदाद के अंदर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। अच्छा, तो ख्वाब की बात पे यकीन करेंगे आप? ख्वाब की बात के नहीं, बेदारी के वक्त में इबारत पढ़ देता हूँ, सफा नंबर परत है। नहीं ये बताए जो आपने सवाल किया है मेरे से, ये किताब नहीं है क्या इनकलाबुल हकीकत? किताब बरेलवी की है नहीं, और दूर दूर तक ताल्लुक कोई बरेलवी से है। और नंबर टू सानियन बात यह है कि ये जो आप इबारत बता रहे हैं आला हजरत के ऊपर तो नहीं बता रहे कि लिखा है, मगर ऐसी इबारत में आप मर जाएंगे, मैं साबित नहीं कर सकते कि हमारे किसी भी जो अगर मोतबर है या गैर मोतबर है, किसी आलिम ने नहीं लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह अंग्रेज रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम। अंग्रेजों के तो एजेंट आप हैं। खुद जो है मलके विक्टोरिया को जो है जो है आपके अशरफ अली खान की मलफूजात लिखने की होशमंद हो रही है। फतावा रिजविया में कौन कह रहा है अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना हराम है? कौन कह रहा है? फतावा रिजविया में है। तो अंग्रेज के साथ जिहाद करना हराम है? नहीं, मना किया गया अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करने से। अंग्रेज, अच्छा ये बताए जिहाद करने के लिए कौन से शर्तें पाई जाती हैं? तो जिहाद उसके ऊपर फर्ज होता है, करना चाहिए। जिहाद के पहले उसूल बताइए आप पहले। अच्छा ये बताइए, सुनिए, नमाज पढ़ने के शराइत होते नहीं होते हैं? अच्छा ये बताइए। अरे मेरे जनाब, आप आला हजरत के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं कि आला हजरत है, ये तुम्हारी फितरत है एक मौजू से दूसरे मौजू से भागना। आप ही ने तो दूसरा मौजू छोड़ा अंग्रेज का। आपने छड़ा मैंने कभी, हमने आपके मौजू के मातहत बात की है। मैंने नहीं छड़ा है। और दूसरी बात मैं ऐसे मौजू की, हमने कहा अंग्रेज के तो एजेंट आप हैं, और कलमे वाली बात मैंने आपकी किताब से बताई, हुक्मन बता दी, अभी पूरी तफसील नहीं बताई। बता रहा हूँ आपकी किताब, बता रहा हूँ साहबजादा मोहम्मद उमर बरेलवी है, जाके देख रहे पहले अच्छे से। क्या देख ले? और आपको बात करनी है शाम में बात कर ले। नहीं क्या देख ले? उमर साहबजादा उमर बरेलवी ने क्या अपनी किताब, कौन सी किताब है? अरे नाम तो बता दिया भाई, इनकलाबुल हकीकत बता दिया मैंने नाम। तो इनकलाबुल हकीकत साबित कर दीजिए ना। हाँ तो मैं कह रहा हूँ शाम को मैं आपसे बात करूँ। नहीं उसकी आप उसकी जो है उसका आप उसको जो है मोतबर साबित करिए किसी उलमा के द्वारा। आप तो उनको दो बरेली भी साबित नहीं भाई, कहिए शाम को कुछ नहीं, आपको सब कुछ हवाला दे दूंगा मैं शाम में आपको खुद फोन कर दूंगा। आपकी आवाज कट रही है आपकी अभी जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो काट दिया, काट दिया, बिल्कुल काट दिया।